टॉप फोर बेस्ट अल्टीमेट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। तो अगर आप अभी के टाइम पे 10,000 रुपीज की बजट प्राइस रेंज में एक अल्टीमेट 5G स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हो, जहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को ना मिले और 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाए, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है। बिकॉज हमने काफी रिसर्च करने के बाद टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जो आपको इस बजट में 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि अभी के टाइम पे आपको कौन से स्मार्टफोन्स के साथ जाना चाहिए, तो इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक ताकि आपको पूरी और एकदम सही जानकारी मिल पाए। सो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है पोको की तरफ से आने वाला पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन। और ये जो स्मार्टफोन है अभी के टाइम पे आपको 10,000 to 11,000 रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है इस बजट में वो काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेस्ट चॉइस हो सकती है अगर आप पोको के स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं। बट अगर आप किसी अदर ब्रांड के साथ भी जाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे हमने उन स्मार्टफोन्स के बारे में भी बात करी है। बट जो भी लोग इस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी जाए, सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है ये भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर ही वर्क करता है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये भी 2.2 GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर है, जहाँ पर आपको 4GB तक का रैम सपोर्ट एंड 64GB की इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है। इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी स्पेसिफिकेशंस काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं बजट रेंज के अकॉर्डिंग। बिकॉज आपको यहाँ पे 5000mAh की बड़ी बैटरी तो मिल ही जाती है, उसके साथ साथ आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.79 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि 1018x2460 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले वाइज आपको स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें एट द एंड वहीं पे इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 50+2 MP का एक डुअल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप यहाँ से भी मैक्सिमम 1080p में अपने वीडियोस को 30fps पर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वहीं पर आपको 8 MP का एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, और नेक्स्ट नंबर पे हमने रखा है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi 12 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन मेनली उन लोगों के लिए है जो कि अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, 11,000 रुपीज खर्च कर सकते हैं, तो वो लोग इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं, और इसकी जो प्राइसिंग है वो प्राइस ड्रॉप के कारण इतनी है। बिकॉज पहले ये स्मार्टफोन 13,000-14,000 रुपीज की प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस इन कंपैरिजन अदर स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। सो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड एक पावरफुल ऑक्टोकोर 5G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 4GB रैम सपोर्ट के साथ 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी मिल जाती है, एंड वहीं आपको बैटरी के तौर पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.79 इंचेस की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलती है, जो कि 1018x2460 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। एंड इसके अलावा आपको इस बजट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ। इसके अलावा एट द एंड अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50+2 MP का डुअल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को 30fps पर फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड वहीं आपको सामने की तरफ भी 8 MP का एक काफी बढ़िया फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, और नेक्स्ट नंबर पे हमने रखा है लावा की तरफ से आने वाला Blaze 2 5G स्मार्टफोन। तो जो भी लोग लावा के स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हैं वो लोग इस स्मार्टफोन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफी लाजवाब देखने को मिल जाते हैं, और इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो आपको 10,000 रुपीज ही देखने को मिल जाती है, तो ये काफी बढ़िया हो जाता है। अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6020 का 2.2 GHz पर क्लॉक्ड ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जहां पर आपको 6GB तक की मैक्सिमम रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और आप 4+64GB वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको वहां पर 4GB की रैम एंड 64GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिलेगी। इसके बाद वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पर आपको बैटरी के तौर पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, एंड वहीं पर आपको यहां पर 6.5 इंचेस की एक LCD
डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 720x1600 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 269 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि इस बजट रेंज के स्मार्टफोन्स के हिसाब से काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस माना जाता है। इसके अलावा अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50+0.08 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में अपनी वीडियोस को फुल एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी आपको वहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो लास्ट नंबर पे हमने रखा है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T3 Lite 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन मेनली हमने उन लोगों के लिए रखा है जो कि इस बजट में वीवो का स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, तो वो लोग इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। वीवो ने अभी लेटेस्ट ही इस स्मार्टफोन को लॉन्च करा है तो स्पेसिफिकेशंस आपको काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर भी। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्लस का 2.4 GHz पर क्लॉक्ड ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4GB रैम सपोर्ट के साथ मैक्सिमम 128GB तक की इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है। एंड वहीं आपको बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की काफी कमाल की बड़ी बैटरी के साथ 15W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें वहीं पे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.56 इंचेस की एक LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो कि 720x1612 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 269 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 90Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉइड 14 पर वर्क करता है। इसके अलावा अगर बात करें वहीं पे एट द एंड इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50+2 मेगापिक्सल का एक डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहां से भी मैक्सिमम 1080p में 30fps पर इजीली फुल एचडी में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड इसके साथ साथ आपको 8 मेगापिक्सल का सामने की तरफ भी काफी कमाल का सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स में जो कि आपको अंडर 10,000 रुपीज देखने को मिलते हैं। तो आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं जिस भी स्मार्टफोन की आपको स्पेसिफिकेशंस पसंद आए हो या फिर जिस भी ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।